यह हमारी रो नंबर 11 है। रो नंबर 11 बनाने के लिए हमें सबसे पहले 4 चेन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी यह 4 चेन कंप्लीट हो गई है। अब हम शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में जहाँ पर हमने 4 चेन ली है वही स्टिच में हम 1 डबल क्रोशा, ये हमारे ऐसे 2 डबल क्रोशे हो गए फर्स्ट चेन में। अब हम 2 चेन लेकर और सेम स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा और बनाना है। ये हमने 2 चेन ली, अब सेम स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा और बनाना है। तो ऐसे हमारे पास एक स्टिच में यह 3 डबल क्रोशे बन गए। शुरू में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा। ऐसे ही जब हम शॉल को एंड करेंगे तब एंड में भी हमें 3 डबल क्रोशे लेना है। यहाँ अब हम जो ये पॉपकॉर्न स्टिच बनी है, इस पॉपकॉर्न, ये देखो ये जो पॉपकॉर्न स्टिच बनी है, इस पॉपकॉर्न स्टिच को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा बनाना है। तो हम इस पॉपकॉर्न वाले स्टिच को स्किप कर देंगे। पॉपकॉर्न को स्किप किया और ये दो पॉपकॉर्न के बीच में जो ये डबल क्रोशा बना है यहाँ पर हमें अब बनाना है। तो यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशा, ये हमारा 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और सेम स्पेस में हमें 1 डबल क्रोशा और बनाना है। तो ऐसे हमारे पास 2 डबल क्रोशा हो गए उस स्टिच में। ये पॉपकॉर्न को स्किप करना है, ये पॉपकॉर्न स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले में हमें फिर से 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशा। तो ऐसे हमारे पास ये वी शेप कुछ बनते जाएगा। पॉपकॉर्न को स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशा, 2 चेन एंड सेम स्टिच में अगेन 1 डबल क्रोशा। ऐसे हमारे पास एक एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे और 2-2 चेन बनती जा रही है। अब मैंने कुछ वीडियो स्किप करके मैं अब कॉर्नर तक आ जाऊंगी। अगर पूरी स्टिच बुनूंगी तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। तो यह हमारा अब कॉर्नर आ गया है। यहाँ पर यहाँ कॉर्नर आ गया है तो हम डायरेक्ट कॉर्नर बना लेंगे। कॉर्नर के पास में जो डबल क्रोशा है वहाँ स्टिच नहीं बनाएंगे। कॉर्नर पर भी 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा लेना है हमें। सेम स्पेस में जैसा अभी तक हम लेते हुए आए हैं। अब हमारा कॉर्नर की अपोजिट साइड बनाना है। तो हमने कॉर्नर की जो इस तरफ ये पॉपकॉर्न और उसके साथ में जो ये डबल क्रोशा है इसको स्किप किया था। तो यहाँ पर भी स्टार्ट करने के पहले, कॉर्नर से स्टार्ट करने के पहले हम वो डबल क्रोशा और पॉपकॉर्न को स्किप करके उसके नेक्स्ट जो डबल क्रोशा है उसके अंदर हम 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमने ये रो भी पूरी बना ली है। अब हमारा एंड वाला पार्ट आ गया है। तो ये एंड वाले पार्ट में भी हम इस रो का एंड वाली स्टिच में हम जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही इधर भी लेंगे। डबल क्रोशा, 2 चेन, सेम स्टिच में डबल क्रोशा और एक और डबल क्रोशा लेंगे 1 चेन लेकर। तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशा और लास्ट में डबल 1 डबल क्रोशा, ऐसे हमारे पास 3-3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अभी मैं स्किप कर कर के बता रही हूँ पार्ट को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। यह हमारी रो नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम रो नंबर
12 बनाएंगे। तो रो नंबर 12 बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चेन और सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशा लेंगे। यह हमने 1, 2 एंड लास्ट की 3 चेन ली और शॉल को टर्न करके डबल क्रोशा बनाएंगे। आप स्टार्टिंग में भी टर्न शॉल को टर्न करके भी बना सकते हैं, 3 चेन शॉल को टर्न करके भी बना सकते हैं आप। अब मैंने सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशा लिया है, तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब यह हमारा जो वी जैसी स्टिच बनी है, ये वी जैसी, ये सेकेंड वी, तो इस वी में हमें बनाना है। फर्स्ट वी को स्किप करके सेकेंड में बनाना है, इसको स्किप करके फिर उससे नेक्स्ट वाली में बनाना है, स्किप नेक्स्ट में, ऐसे 1 वी को स्किप करके नेक्स्ट वाले वी में हमें स्टिच बनाना है। तो हम ये जो फर्स्ट वाला वी है इसको स्किप करके इस नेक्स्ट वाले स्किप में हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8। ऐसे हमने इस वी में 8 डबल क्रोशे बनाए। हमने फर्स्ट वाले वी को स्किप करके सेकंड वाले वी में 8 डबल क्रोशे बनाए। अब हम इस नेक्स्ट वाले वी को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले में फिर 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड लास्ट 8। ऐसे हमारे पास इस वी में भी 8 डबल क्रोशे हो गए, स्किप और नेक्स्ट वाले वी में फिर 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे करते हुए हम कॉर्नर तक बना लेंगे। अब ये हमने कॉर्नर तक बना लिया है, अब हमें कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम कॉर्नर में 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशा, 2 चेन एंड सेम स्पेस में अगेन 1 डबल क्रोशा। ये हमारा कॉर्नर बनके तैयार हो गया। अब हम कॉर्नर के अपोजिट साइड में भी, जैसे हमने इस साइड 1 चेन स्किप करके और बनाए थे, वैसे ही इस तरफ भी बनाएंगे। लेकिन कॉर्नर के इस तरफ हमने 8 डबल क्रोशे लिए हैं, तो कॉर्नर बनाने के बाद जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे तो हम सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में वी में 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, जो कि हमने कॉर्नर के जस्ट उस तरफ भी 8 डबल क्रोशे बनाए थे। तो कॉर्नर के जस्ट इस तरफ भी हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे फर्स्ट वी में। ये हमारे 8 डबल क्रोशे बन के कम्प्लीट हो गए। अब हम इससे नेक्स्ट वाला वी को स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले वी में हम फिर से
एट डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे करते हुए हमें इस रो के एंड पॉइंट तक बनाना है। वन को स्किप करके नेक्स्ट वी में ऐसे करते हुए एंड पॉइंट तक हम बनाएंगे। यह शॉल बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि इस डिज़ाइन में 3D लुक आता है। इस वीडियो को यह शॉल मेरे पास बहुत से पार्ट में बनके तैयार हो रही है, तो आप इसके हर एक पार्ट देखिएगा और बनाने की कोशिश करिएगा। अब हम यह एंड वाले स्टिच पर आ गए, तो यहाँ पर हम जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था ये 1 डबल क्रोशा और सेम स्टिच में अगेन 1 डबल क्रोशा, ऐसा हमारे पास लास्ट में भी 2 डबल क्रोशे हो गए। हमारे स्टार्टिंग में भी 2 डबल क्रोशे थे और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पर हमारी रो नंबर 12 यह कंप्लीट हो गई है। देखो वो पॉपकॉर्न का 3D लुक दिख रहा है। अब हम इससे जब नेक्स्ट रो बनाते जाएंगे तो यह भी 3D लुक में दिखेगी। अब यह हमारी रो नंबर 13 यहाँ से स्टार्ट होगी। तो रो नंबर 13 बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चेन लेनी पड़ेगी। यह हमारी 3 चेन हो गई है। हमने शॉल को टर्न किया, उसके बाद हमें सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाना है। तो यह हमारा 1st डबल क्रोशा और अब यह हमारा 2nd डबल क्रोशा सेम स्पेस स्टिच में हम बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशे बनकर तैयार हो गए। ऐसे ही रो नंबर 13 का जब एंड वाला स्टिच आएगा वहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशे लेना है। अब हमें जो हमने ये 8 डबल क्रोशे बनाए थे, ये 8 डबल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पर हमें 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। तो उसे हम कैसे बनाएंगे? हम ये सिंगल डबल क्रोशे को हम पहले फ्रंट में उठाकर उस पर डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर हम 2nd वाले डबल क्रोशे को फ्रंट में उठाकर, देखो क्रोशे के फ्रंट में उठाया है हमने, ये फ्रंट में उठाया है और डबल क्रोशा बनाया है। तो ऐसे हमारे पास 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा हो जाएंगे। अब हम 3rd नंबर वाले डबल क्रोशे को उठाएंगे और उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास जो 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा हो जाएंगे। हम क्रोशे को हमारी तरफ से डालकर और डबल क्रोशे को ऊपर लेंगे, क्रोशे के ऊपर लेंगे। यह हम आगे की तरफ ले रहे हैं, इसीलिए इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बोलते हैं। और ऐसे ही बैक पोस्ट डबल क्रोशा भी बनता है जो इससे नेक्स्ट वाली रो में आएगा, तो आप वह भी देखिएगा बैक पोस्ट डबल क्रोशा कैसे बनता है। यह हमारी तरफ सामने की तरफ उठाया है क्रोशे में, इसलिए इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बोलेंगे। यह हमारे पास 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनकर अब रेडी हो जाएंगे। यह हमारा लास्ट वाला है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। यह हमारे 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनकर रेडी हो गए हैं, जो देखो पीछे से ऐसा थोड़ा सा 3D लुक दिख रहा है। अब हमें यह जो उससे नेक्स्ट वाले जो 8 डबल क्रोशे लिए हैं, इन 8 डबल क्रोशों में भी फ्रंट पोस्ट 8 डबल क्रोशे बनाना है। हमने क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे को उठाया और अब हम डबल क्रोशा बना रहे हैं उसके ऊपर। 2nd वाले स्टिच को हमने क्रोशे के ऊपर उठाकर 2nd फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाया। ऐसे करते हुए हम 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे
बना लेंगे। ऐसे ही करते हुए हमें कॉर्नर तक ले जाना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। इससे जो नेक्स्ट वाली रो आएगी उससे यह 3D लुक दिखेगा। शॉल की जो डिज़ाइन है उसमें 3D लुक दिखता है। शॉल का जो नेक्स्ट पार्ट है वह भी देखिए और बनाते जाइए। मैंने नंबर वाइज रो के नंबर वाइज पार्ट डाले हैं, आप वे सभी पार्ट देखिए और बनाइए। ऐसे हम कॉर्नर तक बना लेंगे। मैं अभी इस शॉल के सारे पार्ट बना के डालूँगी, नहीं तो जो रो नंबर 15 से जो रो नंबर 26 आती है उसको आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो शॉल बड़ी होती जाती है। लेकिन कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं शॉल के सभी पार्ट डालूँगी इसमें बनाकर। यह अब हमारा कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पर हमें 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे लेना है। यह कॉर्नर का जो स्पेस है, इस कॉर्नर वाले स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशे, यह हमारा 1 डबल क्रोशा, सेम स्पेस में सेकंड डबल क्रोशा, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशा, अब 2 चेन, 1 2, और सेम स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे लेना है। ये फर्स्ट डबल क्रोशा, सेकंड डबल क्रोशा एंड लास्ट थर्ड डबल क्रोशा सेम स्पेस में लिया, तो ऐसा हमारा यह कॉर्नर बन के रेडी हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट 8 स्टिच है उसमें भी 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे। ऐसे ही हमें इस लाइन को भी पूरा एंड तक बनाते जाना है। मैंने यहाँ के पार्ट स्किप नहीं किए हैं ताकि किसी को अगर यह डिज़ाइन बनाने में डिफ़िकल्टी हो तो वो बार बार देख कर ईजीली बना सकता है। वैसे बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, आप एक बार बना लेंगे तो फटाफट बन जाती है वो। मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड को भी स्लो रखा है, स्लो स्पीड में बनाया है। अब हमारा यह कॉर्नर का, इस रो का यह एंड पार्ट आ गया है। तो एंड में भी हमें जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे 3 चेन 2 डबल क्रोशे, वैसे ही इसके एंड में भी हमें 3 डबल क्रोशे बनाना है। यह हमारा फर्स्ट डबल क्रोशा, सेकंड डबल क्रोशा एंड लास्ट का थर्ड डबल क्रोशा। ये देखो थोड़ा सा ये 3D लुक आया है इसमें। जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लिया है उसकी वजह से
यहाँ पर यह 3D लुक आया है जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अब हमारी रो नंबर 14 बनाएंगे हम। यह शॉल बनकर बहुत ही सुंदर लगती है। अब हमारी रो नंबर 14 है। रो नंबर 14 बनाने के लिए हम 3 चेन लेंगे, शॉल को टर्न करेंगे और सेम स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे और बनाना है। जहाँ हमने 3 चेन ली है सेम उसी स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे और बनाना है। यह हमारा फर्स्ट डबल क्रोशा, अब सेम स्टिच में यह सेकेंड डबल क्रोशा। तो ऐसे हमारे पास स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशे बनकर रेडी हो गए। ऐसे ही हमें लास्ट में भी 3 डबल क्रोशे लेना है। अब हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। तो हमारे पास यह जो 2 चेन है, इस 2 चेन को हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्रोशे को पीछे से डालकर इस डबल क्रोशे वाली स्टिच को बैक में लेकर बैक साइड में ही हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनके तैयार हो गया है। हमने ये पीछे वाली साइड है हमारी। अब हम जो एक और यहाँ पर डबल क्रोशा बना है इसको भी हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। नीडल को हम पीछे से डालकर स्टिच को पीछे की तरफ लेंगे और यहाँ पर यह डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ऐसा हमारे पास बैक पोस्ट डबल क्रोशा होगा। अब हमें पॉपकॉर्न बनाना है, पॉपकॉर्न स्टिच। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम पॉपकॉर्न स्टिच यह जो हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे उसके पास वाली स्पेस में बनाएंगे। तो ऐसे हमारे हम यह वाली स्पेस को छोड़कर उसके ठीक नीचे वाली स्पेस में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमें 5 डबल क्रोशे लेना पड़ेंगे। हम पहले भी बना चुके हैं पॉपकॉर्न स्टिच। यह हमारा सेकेंड डबल क्रोशा, सेम स्पेस में 3rd डबल क्रोशा लेंगे हम। यह जो पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं हम, यह रो नंबर 12 वाली होल में बना रहे हैं हम। रो नंबर जो 12 बनाई थी हमने, उसके पास में जो स्पेस था वो रो नंबर 12 वाले स्पेस से हम यह पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं। या आप उसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे उसके पास वाले स्पेस में हम बना रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पर हुक को छोड़कर जो हमारा फर्स्ट नंबर का डबल क्रोशा है वहाँ से हम इस हुक को बाहर निकाल लेंगे और 1 चेन लेंगे हुक को बाहर निकालने के बाद। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनके रेडी हो जाता है। ये हमने 1 चेन ले ली। अब यहाँ जो हमने 8 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाए थे, ये जो 8 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाए थे इसकी हम फर्स्ट वाले बैक पोस्ट डबल क्रोशे को स्किप कर देंगे। इसको स्किप करके इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है वहाँ पर हम बनाएंगे। इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले स्टिच में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। अब जितने भी हमारे पास यहाँ पर स्टिच है उन सब में हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ऐसे हमारे पास 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनकर रेडी हो जाएंगे। 7 इसलिए होंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वाला था उसको स्किप कर दिया, इसलिए यहाँ पर अभी हमारे पास यह 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनकर रेडी होंगे।
डबल क्रोशा में पीछे की साइड ही धागा लेकर और बनाना है। यहाँ हमारे पास 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे तैयार हो गए। अब हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, तो वही पॉपकॉर्न स्टिच हमें 12 नंबर वाली रो में बनाना है। ये वाली स्पेस को छोड़कर ये जो 8 डबल क्रोशे बनाए थे उसके पास वाले स्पेस में हमें बनाना है। ये फर्स्ट स्पेस को छोड़ दो और उससे नीचे वाले स्पेस में हमें लेना है। और जो ये 8 बैक पोस्ट डबल क्रोशे थे उसके फर्स्ट वाले बैक पोस्ट डबल क्रोशे को स्किप करके नेक्स्ट की स्टिच में बैक पोस्ट लेना है। तो ऐसे हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। यहाँ पर यह हमारा 2 डबल क्रोशा थ्री डबल क्रोशा फोर डबल क्रोशा फाइव डबल क्रोशा। अब हम क्रोशे को बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा यह फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था उसमें से हम हुक को बाहर निकालेंगे। इस हुक को हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशे से बाहर निकालकर चेन 1 ले लेंगे। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में बैक पोस्ट लेंगे। आप नीचे वाली रो से भी काउंट करके ऊपर के सेकेंड वाली स्टिच में बैक पोस्ट ले सकते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ पर 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनकर रेडी कर लेंगे हम। टोटल हमारे पास 8 स्टिच थी जिसमें से हमने स्टार्टिंग वाली 1 को स्किप कर दिया और नेक्स्ट के 7 स्टिच में हम 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पर 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनकर तैयार होंगे। ऐसे ही हमें कॉर्नर तक कर लेना है। यह हमारा लास्ट का बैक पोस्ट डबल क्रोशा हो गया। अब हमें इसके बाद पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। यह कुछ इस तरीके से दिखता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम नेक्स्ट वाले गैप में पॉपकॉर्न स्टिच बना लेंगे। अब हम फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करके सेकंड वाली में बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। ऐसे हमारे पास यहाँ पर 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है हमें। ऐसे करते हुए हमें कॉर्नर तक बना लेना है सेम।
हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे तो फर्स्ट वाली जाली के नीचे जो जाली आती है वहाँ पर हमें लेना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये फर्स्ट जाली के नीचे वाली जाली में, ये फर्स्ट जाली है उसके नीचे वाली जाली में हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या जो हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे उसके जस्ट पास वाली जाली में हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। यह चेन का 3D लुक दे रहा है, जो भी चेन ऊपर दिख रही है वो बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट लेने की वजह से 3D लुक दिख रहा है। अब हमें ऐसे ही पूरे कॉर्नर तक बना लेना है, हर एक स्टिच में 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे और पॉपकॉर्न, ऐसे करते हुए हमने यह हमारा कॉर्नर तक बना लिया है। अब कॉर्नर में हम यहाँ पर अगेन पॉपकॉर्न लेंगे, रो नंबर 12 से हम पॉपकॉर्न लेंगे, यह कॉर्नर में हमारा पॉपकॉर्न और वन चेन बनके तैयार हो गया। अब इस कॉर्नर पर हमारी यह जो प्रीवियस 3 डबल क्रोशे, प्रीवियस रो के 3 डबल क्रोशे, उसमें से 1 को स्किप करके जो सेकंड के 2 डबल क्रोशे हैं उनमें हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा ले लेंगे। ये नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशा लिया। ऐसे हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाने के बाद 1 चेन को स्किप करके 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे लिए। अब कॉर्नर पर हमें 2 डबल क्रोशे लेना है, यह हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन और अगेन सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। जैसे हमने कॉर्नर के इस तरफ बनाया है सेम वैसे ही कॉर्नर बनाने के बाद उसके अपोजिट साइड में भी सेम बनाएंगे। यह कॉर्नर हमारा बन गया है। कॉर्नर स्टार्ट करने के लिए हमने कॉर्नर के बाद का स्टार्ट करने के लिए हमने पहले टू बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेंगे, टू यह फर्स्ट वाली स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे। ऐसा हमारा बीच में जो कॉर्नर बना है उसके दोनों तरफ सेम स्टिच ऑन बनती है। यह हमारा फर्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशा हुआ, उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशा और 1 स्टिच स्किप करके हमें पॉपकॉर्न बनाना है। 1 स्टिच स्किप करके हम रो नंबर 12 से पॉपकॉर्न बनाएंगे। यह हमारा पॉपकॉर्न बन गया। 1 चेन लेंगे, अब हम 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे। ऐसे हमें यहाँ पर 7 स्टिच में 7 बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेना है। सेम जैसे हमने उस तरफ बनाया था वैसा ही
इस तरफ बनाएंगे। यह हमारा लास्ट वाला बैक पोस्ट डबल क्रोशा हो गया। अब हम यह पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। ऐसे करते हुए हमने यह लाइन भी पूरी कंप्लीट कर दी। हम एंड पर आ गए। अब एंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशे है, तो हम उसके पहले पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। रो नंबर 12 से हमने पॉपकॉर्न स्टिच बनाई। रो नंबर 12 आपको याद नहीं हो तो जिस रो में हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे उसके जस्ट पास वाली जाली से हमें यह पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। यह हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो गई है। 1 चेन लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 3 डबल क्रोशे हैं, तो हम पहले के जो 2 डबल क्रोशे हैं उनमें हम 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे। यह फर्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशा हो गया हमारा। फिर से हम लेते हैं अटक गया था धागा। यह जो 3 डबल क्रोशे हैं यहाँ पर हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशे से बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। यह हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाया। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट वाली स्टिच बच जाती है। इस लास्ट वाली स्टिच में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग में 3 डबल क्रोशे बनाए थे, तो हम एंड में भी यह वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यह हमारा फर्स्ट डबल क्रोशा, सेकेंड डबल क्रोशा सेम स्पेस में, एंड थर्ड नंबर का डबल क्रोशा। ऐसे हमारे पास 3 डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं वहाँ पर। तो अब हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रही है। अब हम रो नंबर 15 बनाए। हमने रो नंबर 15 बनाएंगे। हमने उसके लिए 4 चेन बना ली है। अब हम सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। जहां हमने चेन 4 लिए वहां हम 1 डबल क्रोशा बनाएंगे। जो हमने स्टार्टिंग में चेन 4 लिए उससे हम 1 डबल क्रोशा, 1 चेन और 1 डबल क्रोशा, ऐसे हमारे काउंट करेंगे। उसके बाद हम चेन 1 लेंगे और 1 स्टिच को स्किप करके, ये 1 को स्किप करके नेक्स्ट वाले में हम, नेक्स्ट वाली स्टिच में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लिया, चेन 1 ली, 1 स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले में फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाना आपको आ ही गया होगा क्योंकि हमने पहले के स्टिच उन में भी बनाया हुआ है। अब हम 1 को स्किप करके, ये पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न में डबल क्रोशा बनाएंगे। यदि पॉपकॉर्न के पास में स्टिच नहीं होती है तब भी आपको पॉपकॉर्न को स्किप नहीं करना है, उसमें हर एक पॉपकॉर्न में 1 डबल क्रोशा तो हम बनाएंगे ही। पॉपकॉर्न के बाद हम 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट वाली स्टिच में
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। जब पॉपकॉर्न आता है तो वहाँ पर सिर्फ हम डबल क्रोशा बनाएंगे, बाकी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ शायद टू चेन स्किप हो गई थी मुझसे, टू स्टिच स्किप हो गई थी। ये वन को स्किप करके नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाया। आप ध्यान रखिएगा सिर्फ सिंगल स्टिच ही स्किप करना है। वन स्किप, नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, चेन वन। अब यहाँ पर पॉपकॉर्न आ गया है, पॉपकॉर्न में डबल क्रोशा लेंगे, चेन वन, पॉपकॉर्न के जस्ट पास वाली स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेना है। हर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के बाद हमें चेन वन लेना है। यह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लिया, चेन वन, वन स्किप, नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, चेन वन, फिर पॉपकॉर्न आ गया, पॉपकॉर्न में डबल क्रोशा लेंगे। अभी ऐसे करते हुए हमें कॉर्नर तक बना लेना है। हर दो पॉपकॉर्न के बीच में थ्री फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आएंगे हमारे पास। अब ये कॉर्नर के दो स्टिच बचती है, उसको भी फर्स्ट को स्किप करके नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेना है। अब हम कॉर्नर पर पहुंच गए हैं, यह हमारा कॉर्नर आ गया है। कॉर्नर पर हमें वन डबल क्रोशा, टू चेन और वन डबल क्रोशा लेना है। जैसे हमने कॉर्नर के इस तरफ बनाया था वैसे ही सेम कॉर्नर के उस तरफ भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वन चेन लेंगे, कॉर्नर के इस तरफ हमारा डबल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा आ रहा था, तो कॉर्नर के उस तरफ भी हम फर्स्ट वाली स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे, चेन वन लेकर फर्स्ट को स्किप करके नेक्स्ट वाले में फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेना है। ऐसे वन चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेना। हर पूरी रो में हम ऐसे ही बना लेंगे एंड तक। अब ये हमारा पॉपकॉर्न आया है, तो पॉपकॉर्न में सिर्फ डबल क्रोशा लेना है, चेन वन। ऐसे करते हुए हम एंड तक पहुंच गए। तो एंड की जो थ्री चेन है उसमें भी हमें फर्स्ट में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, चेन वन, नेक्स्ट को स्किप करके लास्ट वाले में फिर हमें डबल क्रोशा, चेन वन एंड डबल क्रोशा, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था वैसे ही इसके एंड में भी लेंगे। ये डबल क्रोशा, चेन वन एंड डबल क्रोशा सेम स्पेस में। ऐसे हमारे रो नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। यह हमारी शॉल कुछ इस तरह से बनकर दिख रही है।